भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरि और भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर धर्म के आधार पर आरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने भी खास तौर से मुस्लिम जातियों के आरक्षण को ओबीसी का दर्जा देने से साफ इनकार कर दिया है, जो एक सराहनीय कार्य है। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। पूरे देश में राष्ट्रव्यापी भारत में आज मैं समझता हूँ कि ओबीसी मोर्चे द्वारा हर समय आज के समय प्रेस की गई है। जो उच्च न्यायालय का निर्णय आया है कलकत्ता में ओबीसी के बारे में और जो प्रजातियाँ वहाँ पर जोड़ी गई हैं, और मैं समझता हूँ कि हाईकोर्ट ने उनको जोड़ने से इनकार किया है, और मैं समझता हूँ कि सही व्यक्ति को सही पात्र को जो है योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। और हमारे बहुत ही सम्मानित विधायक आगे आदरणीय प्रदीप बत्रा जी भी रहे, और जो पूरे देश में आज प्रेस वार्ता है ये इसी उपलक्ष्य में कि जो ओबीसी समाज का आरक्षण है उसको मुसलमानों को दिया जा रहा है उनका काट काट करके, ये अच्छी बात नहीं है। और वहाँ की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है वो कहती मैं कोर्ट का आदेश भी नहीं मानूंगी, तो ये सरासर गलत है। ऐसे तो हमारा संविधान क्या मानेंगे हम।